नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। मध्य प्रदेश के रीवा में मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रीवा कलेक्टर व आरटीओ को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा है कि कलेक्टर रीवा एवं परिवहन अधिकारी रीवा को एक ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि अल्ट्राटेक सीमेंट बेला प्लांट एवं बघवार प्लांट में गाड़ियों के कागजात न होते हुए गाड़ियों का संचालन फर्जी रूप से कराया जाता है। इन गाड़ियों के संचालन में फैक्ट्री प्रबंधन भी शामिल है, जिनके खिलाफ अति शीघ्र कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। बाहरी प्रांतों से जो गाड़ियां संचालित हो रही हैं, उनके खिलाफ पॉइंट 2 धारा के तहत कार्यवाही की जाए, अन्यथा हमारी यूनियन द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट के खिलाफ पिटीशन दायर की जाएगी। आज हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को रेला अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ, जो वहाँ पर अवैध रूप से परिवहन संचालित हैं, उनके खिलाफ माननीय जिला अध्यक्ष महोदय को हम लोग एक ज्ञापन के माध्यम से उनको बताने आए हैं कि मतलब जो भी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके माइंस में अंदर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक वो दूसरे प्रांत की गाड़ियाँ हैं जो पॉइंट 2 के तहत चल रही हैं रीवा में, और जो भी उनके यहाँ गाड़ियाँ हैं उनके कोई कागजात नहीं है, अवैध रूप से गाड़ियाँ संचालित हो रही हैं, चाहे वो जेपी वो चाहे अल्ट्राटेक सीमेंट बेला हो या बघवार हो, उनके यहाँ जो भी गाड़ियाँ और मशीनरी चल संचालित हो रही हैं वो अवैध रूप से फर्जी रूप से चल रही हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं है। और हम चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय से कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और अभी हम परिवहन जिला परिवहन अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे भी यही बात करेंगे कि जो भी फर्जी गाड़ियाँ यहाँ पे रीवा में संचालित हैं अल्ट्राटेक और बेला और भगवान में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।